फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। लखीमपुर से भाकेगंज के बीच में इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा जो CRS स्पीड ट्रायल होना है उसकी तारीख आ गई है। इसके अलावा सीतापुर जंक्शन से परसेंडी रेलवे स्टेशन के बीच में भी डबलिंग का और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS स्पीड ट्रायल होना है, उसकी भी तारीख आ गई है। दोनों तारीख के बारे में हम बताएंगे। सामने देख सकते हैं CRS स्पेशल ट्रेन लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर से गुजर रही है, लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर जा रही है। ये उस समय का वीडियो मैंने शूट किया था जिस समय लखीमपुर से सीतापुर के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा CRS स्पीड ट्रायल कराया गया था लगभग पिछले साल दिसंबर 2020 में। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा जब स्पीड ट्रायल हुआ था लखीमपुर से बांकेगंज के बीच में लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो स्टेशन पर मौजूद इंजीनियर्स ने कहा था कि जब तक मैलानी तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा CRS स्पीड ट्रायल नहीं कराएंगे। सामने देख सकते हैं खैराबाद रेलवे स्टेशन पर ये जो TSS है ये चालू कर दिया गया है। इसके उद्घाटन का हम लोग इंतज़ार करते रह गए, लेकिन यहाँ से जो पावर सप्लाई है वो लखीमपुर की दिशा में दी जाने लगी है और हम इसका इंतज़ार करते रह गए कि इस TSS का उद्घाटन अब होगा। बिना उद्घाटन किए ही पावर सप्लाई दी जाने लगी, तो एटलीस्ट अब पावर सप्लाई की कमी नहीं रहेगी। हम बताएंगे क्या फ़ायदा होगा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन CRS स्पीड ट्रायल का लखीमपुर से बांकेगंज के बीच में। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, संभावना ऐसी है कि अब ये जो TSS शुरू हो गया है खैराबाद का, क्या इसके द्वारा गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन तक पावर सप्लाई दी जा सकती है या नहीं। अगर दी जाएगी तो इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा जो मालगाड़ी है उसका संचालन गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से होने लगेगा। अगर इसकी जो पावर सप्लाई है खैराबाद TSS की और गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुँच पाती है, कहीं बाधा आती है, तो जब तक फरधान रेलवे स्टेशन पर TSS का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप ये मान के चल सकते हैं कि फिर गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से भी इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा मालगाड़ी का संचालन नहीं होगा। फिर हमें इंतज़ार करना होगा फरधान के TSS के पूरा होने का, तो ये भी एक बड़ी समस्या होगी। और अगर बीच में मैलानी से शाहगढ़ के बीच में ट्रैक ओपन कर दिया जाता है अगले महीने या जनवरी में या जब भी कभी, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि फिर इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा जो ट्रेन है लखनऊ मैलानी रूट पर वो सपना ही रहेगा तब तक जब तक कि पूरा पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि अगर मैलानी शाहगढ़ रूट ओपन हो गया तो आप ये मान के चलिए फिर आगे का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का इंतज़ार किया जाएगा कि जब तक शाहगढ़ तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं होगा ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। ये रहा वो सीतापुर से वो सेक्शन परसेंडी की दिशा में जहां पर CRS स्पीड ट्रायल होना है। तारीख हम आप लोगों को बता देते हैं, 24 नवंबर 2021 को सीतापुर जंक्शन से परसेंडी के बीच में डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS स्पीड ट्रायल होगा। इसके अलावा लखीमपुर से बांकेगंज के बीच में इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा CRS स्पीड ट्रायल 25 नवंबर 2021 को किया जाएगा। तो दोनों स्पीड ट्रायल हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट उसका दें। तो मेरा मानना यह था कि अगर लखीमपुर से मैलानी के बीच में CRS स्पीड ट्रायल होता है इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा तो ट्रेन चलने का सपना अधूरा नहीं रहता इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा, लेकिन अभी अभी आप ये मान के चल सकते हैं कि अब ये सपना अधूरा ही रहेगा क्योंकि जो ट्रेन का संचालन है वो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा जो ट्रेन है वो गोला तक नहीं चलाई जाएगी। और जब लखीमपुर तक नहीं चला रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि गोला तक कैसे चलेगी। हाँ, मालगाड़ी का संचालन इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा संभव हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है। पिछले महीने मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि क्या लखीमपुर से बांकेगंज के बीच में होगा इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा CRS स्पीड ट्रायल, तो आप लोगों ने गौर नहीं किया था उस वीडियो को, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे और मैंने बताया भी था क्योंकि न्यूज़पेपर में निकली थी कि लखीमपुर से बांकेगंज के बीच में
सीआरएसएसपी ट्रायल के लिए फाइल भेज दी गई है, और वो न्यूज़पेपर वालों की जो खबर थी वो सही निकली कि जो सीआरएसएसपी ट्रायल है वो लखीमपुर से बांकेगंज के बीच में होगा। अभी मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर, या आप कह सकते हैं बांकेगंज रेलवे स्टेशन के आउटर पर एनओसी का पेंच फंसा हुआ है, एनओसी नहीं मिली है, इस वजह से अभी तक ये मामला अटका हुआ है। कब एनओसी मिलेगी, कब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मैलानी तक पूरा होगा, कब इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेन का सपना लखनऊ मैलानी रूट पर होगा, यह भी कहना मुश्किल होगा। तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि मेमू ट्रेन का संचालन होगा या इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेन का संचालन होगा। जैसे लखनऊ सीतापुर रूट पर इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेन चलाई गई है, मेमू ट्रेन नहीं चलाई गई है। वीडियो और जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब लखीमपुर से सीतापुर के बीच में इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा सीआरएसएसपी ट्रायल हुआ था वेव 7 के द्वारा, ये उसका एक छोटा सा व्यू है।